কৃষ্ণ চৈতন্য পরমানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর চন্দ্র সাধু শ্রী হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 वैष्णव करते हैं हम लोग का जो धारा है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की विचार धारा में हम लोग अनुप्राणित हो तो हम लोग के लिए तीन स्थान विशेष प्रयोज्य है इसको तीन धाम कहते हैं नवद्वीप नदिया नवद्वीप धाम जगन्नाथ पुरी धाम और श्री धाम वृंदावन ये तीन धाम में महाप्रभु जी ने लीला भी की उन्होंने उनका पार्षद वर्ग भी वहाँ पर रुके और ये तीन धाम के साथ भजन के लिए बड़ा अनुकूल है नवद्वीप नदिया धाम है चैतन्य महाप्रभु की जन्म स्थान वहाँ पर माधुर्य में लीला की है और जगन्नाथपुरी धाम है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु 18 वर्ष काल रुके और वृंदावन को स्मरण किए गए थे लेकिन वृंदावन धाम की स्मरण में महत्व तो ये तीन धाम से तीन धाम में महाप्रभु जो लीला है जगन्नाथपुरी धाम जो है वहाँ पर रहते हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और सुदर्शन जी वहाँ कृष्ण ने जब द्वारिका में कुरुक्षेत्र में थे तो वहाँ पर ऐश्वर्य सब कुछ है लेकिन ऐश्वर्य होने पर भी जो भाव है वो है माधुर्यमय भाव इसलिए हम लोग वहाँ पर आते हैं और विशेष करके उसको हमारे गुरुपाद को जो कहते थे कि विप्रलम्ब क्षेत्र मतलब विरह भगवान से विशेष रूप से कृष्ण की विरह वहाँ पर राधा रानी की विरह कृष्ण की विरह हे राधे व्रज देवी के चललित अनंत सुनो तो ये जो सर्वस्वामी अष्टक में हम लोग पढ़ते हैं कि गोस्वामी वर्ग का हमारे जो विचार है हमारे जो भजन की वैशिष्ट्य है उसमें विरह ही प्रमुख है तो वहाँ पर वही क्षेत्र है विरह उपलब्ध होती है विशेष करके जगन्नाथ महाप्रभु का लीला क्षेत्र है और चैतन्य महाप्रभु की वहाँ पर लीला क्षेत्र चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर रहने के समय विशेष विशेष लीला की और जगन्नाथ महाप्रभु अभी भी जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा आने वाले हैं हम लोग रथ यात्रा में जाएंगे रथ यात्रा में मतलब क्या है वो चंद्र ग्रहण हुआ था कुरुक्षेत्र में सब लोग स्नान करने के लिए द्वारिकावासी भी आए थे और वहाँ से ब्रजवासी भी गए थे वहाँ पर जगन्नाथपुरी धाम की जो रथ यात्रा की लीला में महापुरुष को स्मरण करते थे कि जगन्नाथ महाप्रभु कुरुक्षेत्र में जब मिलन हुआ सारी ब्रजवासी गए थे नंद जसोदा गए थे और राधारानी भी गए थे और कुरुक्षेत्र में जगन्नाथ भगवान कृष्ण को दर्शन करने के बाद लेकिन मिलन तो हुआ लेकिन उतना आनंद नहीं आया उनको ले करके वृंदावन चलने के लिए रथ में बैठा करके कृष्ण को जो खींच रहे थे तो वही जो लीला है उनको स्मृति उनको स्मरण करते थे चैतन्य महाप्रभु वह वास्तव में रथ यात्रा मतलब कुरुक्षेत्र से वृंदावन की ओर खींच करके जगन्नाथ जी को लेना अपना हृदय मंदिर में बैठाना वही ही
रथ जाता है। विशेष करके हम लोग अभी जो जाएंगे वहाँ पर दो लीला को हम लोग दर्शन करेंगे, दो पर्व महोत्सव को। एक है गुंडीचा मंदिर मार्जन और दूसरा है, दूसरा दिन होगा रथ यात्रा। 13 तारीख को गुंडीचा मंदिर मार्जन करेंगे। गुंडीचा मंदिर मार्जन में चैतन्य महाप्रभु जब जिस मंदिर में जाते हैं रथ यात्रा में, जगन्नाथपुरी मंदिर से, मूल मंदिर से जो मंदिर को जाते हैं उसको कहते हैं गुंडीचा मंदिर मार्जन। गुंडीचा मंदिर, गुंडीचा इंद्रद्युम्न राजा की रानी थी जिनका नाम था गुंडीचा, उन्हीं रानी ने के नाम पर इस मंदिर को बनाया गया, इसलिए उनका नाम है गुंडीचा मंदिर। वो गुंडीचा मंदिर को मार्जन करने के लिए, क्योंकि पूरा साल वहाँ रहता है तो उसको साफ करना है, जगन्नाथ महाप्रभु जाएंगे, कृष्ण वहाँ जाएंगे, विराजमान होंगे, तो इसलिए उसी मंदिर को साफ करने की नाम है गुंडीचा मंदिर मार्जन। तो चैतन्य महाप्रभु वह हम पर चलते हैं, जाते हैं किसी दिन, सारी वैष्णव जिस दिन गुंडीचा मंदिर मार्जन होगा। एक बार जब पुरी में रहते थे महाप्रभु तो प्रताप रुद्रदेव सब राजा ने कर्मचारियों के द्वारा साफ करते थे, लेकिन महाप्रभु ने बताया कि नहीं, इस साल कर्मचारियों के द्वारा नहीं साफ करना है, आप हमको मार्जनी और कलसी सब दे दो, हम लोग खुद मार्जन साफ करेंगे उसको। तो महाप्रभु ने जिस दिन सब वैष्णव लोग बुलाए थे, सब वैष्णव लोग स्नान करने के करके, तिलक करके सब लोग महाप्रभु के पास आए गंभीरा में, और वहाँ चैतन्य महाप्रभु स्वयं सब लोग को चंदन दिए, माला प्रदान की। कहाँ महाप्रभु स्वयं कृष्ण, और उन्होंने साधारण वैष्णव लोगों को भी उन्होंने माला चंदन दे करके स्वागत किया। क्यों? क्योंकि ये गुंडीचा मंदिर मार्जन मतलब हृदय मंदिर को साफ करना है। तो महाप्रभु ने बोला कि तुम लोग गुंडीचा मंदिर मार्जन अभी तक किए नहीं, लेकिन करने के लिए जो इच्छा प्रदान किए, इसलिए तुम लोग हमारे भी वरणीय हैं, तुम लोग हमारे लिए स्वागत योग्य हैं, इसलिए मैं स्वागत करता हूँ। और गुंडीचा मंदिर मार्जन से साधारण झाड़ूदार की काम नहीं है, वो हृदय मंदिर की मार्जन है। इसलिए स्नान जो मार्जन करने के लिए कोई स्नान शौच करके झाड़ू लगाता है, इससे पहले लगाते हैं, लेकिन उस जगह जो जाएंगे हम लोग मार्जन करने के लिए, स्नान शौच करके पवित्र बन करके और क्या तिलक लगा करके जाते हैं, क्योंकि ये हमारे स्नान मंदिर मार्जन मतलब तो झाड़ू पोछा लगाना नहीं है, हमारे हृदय में रहने वाले जो अनर्थ अपराध उसको मार्जन करना है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु सब भक्त लोग को लेकर के कीर्तन करते हुए वहाँ पर जा करके पहुँचे, और कीर्तन करते थे और वहाँ पर सब जितने सब जगह झाड़ू लगा के साफ किए, और महाप्रभु सब लोग को कोई कलसी में पानी ला रहे थे इंद्रद्युम्न सरोवर वहाँ पास में वहाँ से, और महाप्रभु सब लोग झाड़ू लगा रहे थे, धो रहे थे, और महाप्रभु सबको आदेश दिया कि सब कितने जो जो जमा करके इकट्ठा करके रखो, जिनका जितना ज़्यादा इकट्ठा हुआ उन्होंने उतना अच्छी तरह झाड़ू लगाया, कूड़ा जो कूड़ा जितना इकट्ठा होगा, लेकिन सब लोग इकट्ठा किए यानी सब अपना अनर्थ को अपना फॉल्ट को दोष को निकालने के लिए इतना रुचिपूर्ण है। हम लोग तो दोष देखना, किसने पूछा था कि अब्दुल कलाम को शायद एक चीज़ किसने पूछा था, आपका लाइफ में सबसे बड़ा कठिनाई और सबसे बड़ा इजी क्या आपको लगा, वो बोले फॉल्ट निकालना सबसे बड़ा कठिन और सबसे बड़ा इजी काम है, अपना फॉल्ट निकालना ये बड़ा सबसे मोस्ट डिफिकल्ट वर्क, और दूसरे का फॉल्ट को निकालना वो बड़ा सबसे बड़ा इजी वाला काम है। तो महाप्रभु बोले कि अपना अनर्थ को तुम पहचान करके उसको निकालने के लिए कोशिश करो, तो जिन्होंने जितना अपना अनर्थ निकालेगा वो उतना बड़ा मार्जनकारी है। तो ये
तो इसलिए सब लोग इकट्ठा किए, लेकिन ये जो गुंडीचा मंदिर मार्जन है केवल झाड़ू के द्वारा मार्जन नहीं होता है, उसके साथ साथ कैसे किसके द्वारा होती है, नाम संकीर्तन के द्वारा, सेवा के द्वारा। इसलिए नाम संकीर्तन और वैष्णव है, इसलिए महाप्रभु जब वहाँ से सब भक्त लोग मार्जन करके रथ यात्रा उत्सव के लिए वापस जाएंगे तो महाप्रभु लोग पूछे कि हम लोग क्या करेंगे, घर में जाएंगे साधु संघ से वंचित हो जाएंगे, अभी घर में जाकर के हमारे भजन कैसे रहेगा और क्या करेंगे हम लोग, हमारे लिए कुछ उपदेश दीजिए। महाप्रभु ने बताया प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन दुई कर शीघ्र भावे कृष्ण चरण, कि आप लोगों को दो काम करना है, वैष्णव की सेवा करना और दूसरा नाम संकीर्तन करना। वैष्णव की सेवा मतलब कैसे होगा, वैष्णव की सेवा उनकी जो इच्छा है उनको पूर्ण करना, उनकी सेवा उनका जो इच्छा है पूर्ण करना। हाँ ठीक है, अच्छा है। उसका छह प्रकार की सेवा होती है, सेवा करने की शिक्षा अंग होता है, क्या क्या, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव सर्वविधं प्रतिलक्षणम्, कि ददाति उनको देना है, वो सारी क्रिया तीन प्रकार की होगी, शारीरिक मानसिक वाचनिक, तो उनको देना है जो चाहते हैं, उनका कुछ आवश्यक वस्तु को पूर्ण करना है। वैष्णव ऐसा अभावग्रस्त नहीं होते, जो वैष्णव होंगे वो अभाव नहीं होंगे, अभावग्रस्त नहीं है। जगत में दो वस्तु पूर्ण है, एक विष्णु और एक वैष्णव। विष्णु जैसा व्यापक है उनका संबंध होने के कारण वैष्णव भी व्यापक है यानी पूर्ण है, उनको कोई कुछ दे नहीं सकता और उनसे उल्टा ले सकते लेकिन दे नहीं सकते, तो इसलिए कहा जो हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वत प्रभुपाद जहाँ जाते थे, इनके घर में अगर जाते थे तो उनके साथ अपना पानी बटल सेवक लेके जाते थे, अगर वहाँ पहुँचते ही उन्होंने कीर्तन करना शुरू करते थे, हरी कथा बोलना शुरू करते थे, उसके बाद उन्होंने फिर उनका घर का कोई जल और प्रसाद हो ग्रहण करते थे। अगर उससे पहले उनको प्यास लग गया, घर में बैठे और प्यास लग गया तो सेवक को बोलते थे अपना पानी लो उसको पीना है। उन्होंने पूछा कि महाराज प्रभुपाद आप तो उनका घर में गए और पानी तैयार है, आप क्यों नहीं पीते हैं, ना हाँ अगर हम पियेंगे तो उनका ऋणी बन जाएंगे, लेकिन अगर हमने उसी जगत का वस्तु गुरुवर्ग ने दिया है जो पूर्ण वस्तु भगवान के नाम और भगवान की कथा उनको सुना दिए और उसके बाद उन्होंने मुझे हमको कितना प्रणामी दिए और सारा संसार भी सब कुछ दे दें, उल्टा वही ऋणी रहेगा लेकिन हम ऋण उनका नहीं बनेंगे क्योंकि उसका बदले कुछ वो दे नहीं सकते। इसलिए ददाति मतलब फिर देना क्या है, वो अभाव नहीं है लेकिन हमारे पास जो वस्तु है हम अयोग्य होने के कारण कृष्ण सेवा में उसी वस्तु को लगा नहीं पाते हैं। हे गुरुदेव, हे वैष्णव, आप ही लगा सकते हैं ये वस्तु का, कृष्ण सेवा में लगाइए। एक बार स्वामी महाराज जी को विदेश में पूछा जर्नलिस्ट ने, आप अपना हरे कृष्ण मूवमेंट में कितना पैसा यूटिलाइज करते हैं, वो बोले नहीं कि हम इतना पैसा यूटिलाइज करते हैं, वो कितना बड़ा हृदय है, वो बोले कि हम सारा विश्व का पैसा भी यूटिलाइज कर सकते हैं हरे कृष्ण मूवमेंट में, लेकिन दुर्भाग्य की तुम लोग मुझे नहीं देते हो। तो ये है वैष्णव को देना, ददाति प्रतिगृह्णाति, और उन्होंने जिस प्रकार जो वस्तु हमको देंगे उसका बगल में प्रसाद हो कुछ वस्तु तो उसको भी ग्रहण करना, और गुह्यम आख्याति पृच्छति हमारे भजन संबंधी कोई वस्तु को उनको पूछना, और पूछ करके उन्होंने जो उसके बदले में कथा बोलेंगे उसको हमको सुनना, और जैसा और तीसरा क्या है, भुंकते भोजयते उनको प्रसाद खिलाना और उनसे प्रसाद भी ले। इसलिए जो वैष्णव होते हैं संग करने से, इसलिए कहते हैं हमारे श्री भक्ति रखे श्रीधर गोस्वामी महाराज बोलते थे कि उग्र सर्वा होना,
उग्र श्रवा मतलब श्रेष्ठ वैष्णव की संग करना, क्योंकि हर समय हम लोग श्रेष्ठ लोगों के पास रहने से दीनता बढ़ता है, दीनता आती है, और निम्न लोगों के साथ रहने से हमारे अहंकार आता है। जैसा बोले ना कि अकबर बिरौली की कथा सुने होंगे, अकबर ने एक ब्लैक बोर्ड में रेखा खींच लिया और बोले उसको बिना बुझाए पोछ करके, बिना डस्टिंग करके उसको छोटा बनाओ, तो सब लोग फेल हो गए। लेकिन बीरबल क्या किए, उनके बगल में एक बड़ा लाइन खींच दिए तो लाइन छोटा हो गया। इसका मतलब क्या है, जो बड़े के पास रहने से व्यक्ति अपने आप छोटा हो जाता है। इसलिए हर समय कोशिश करना चाहिए श्रेष्ठ वैष्णव की संग में रहना, और श्रेष्ठ वैष्णव की संग में रहने से भक्ति, दीनता, भजन करने की उत्साह, रुचि बहुत बढ़ता है, आगे बढ़ते हम भजन में। इसलिए वैष्णव संग प्रार्थना, इसलिए सेवा करना मतलब ऐसे ही करना है, और जो वैष्णव होते हैं उनको लेकर के भी सेवा में लगाते, उनका कैसा पारमार्थिक उन्नति, जब हम संग करेंगे उन्होंने उसी व्यक्ति का कैसे पारमार्थिक उन्नति होगा, उसके लिए हर समय क्या करेंगे, चेष्टित होंगे। एक बार प्रभुपाद की विचार में कैसा था, भक्ति सिद्धांत श्रेष्ठ अग्र प्रभुपाद की, खोर्धा के, उड़ीसा के खोर्धा सिटी के एक व्यक्ति थे जदुमणि बाबू, उन्होंने नौकरी करते थे सिक्योरिटी में, बाद में प्रभुपाद की चरणाश्रित किया, और पुरी में जो मठ था प्रभुपाद के द्वारा प्रतिष्ठित श्री पुरुषोत्तम गौड़ीय मठ में उन्होंने रहने लगे। बहुत बड़ा जमीन था, वहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे बेगुन सब्जी फूल बगान बड़ा अच्छा किया, और वो बात प्रभुपाद का खबर पहुँचा कि प्रभुपाद, उन्होंने जदुवन बाबू ने बड़ा सुंदर बगान बनाया, तो प्रभुपाद ने उनके पास लेटर भेजा मठ इंचार्ज के पास, आप जदुमणि बाबू को हमारे पास भेज दो। तो मठ इंचार्ज तो बड़ा दुखी हो गया, उन्होंने लेटर भेजा कि प्रभुपाद खबर भेजा उन्होंने, प्रभुपाद अगर जदुमणि बाबू चला जाएंगे यहाँ पर हमारे बेगुन सब्जी ये कुछ हो नहीं पाएगा। क्यों हो नहीं पाएगा, क्योंकि जदुमणि बाबू ने बड़ा अच्छा खेती करते हैं, उन्होंने पूरा हरा भरा करके रखा है, वो चला जाएंगे तो खेती सूख जाएगा। प्रभुपाद ने जवाब दिया, वो पुरुषोत्तम गौड़ीय मठ की खेती को सूखना में देख सकता हूँ, लेकिन उनके अंदर रहने वाला पारमार्थिक जो बगान है उसको सूखना में दिख नहीं पाऊँगा। यानी उसका मतलब है कि वो व्यक्ति अभी अपना कर्म प्रवृत्ति है, उनका हरि गुरु वैष्णव के साथ संबंध नहीं हुआ, इसलिए अभी उनका बहादुरी दिखाना या दूसरे को दिखाना कि मुझे ये सब आता है उसके कारण वो करता है, लेकिन वास्तव संबंध उनका हुआ नहीं, इसलिए उनको हमारे पास भेज दो, वो गुरु वैष्णव के साथ संबंध कैसा होगा मैं उनको कथा सुना करके उनको संबंध ज्ञान कराऊंगा, नहीं तो नवदी में मायापुर में एक रामदेव बाबा महाराज, रामदेव दास बाबा जी महाराज खेती करते थे बैगुन का, एक व्यक्ति ने आया वहाँ पर क्या करने के लिए, खेती भागवत पढ़ने के लिए प्रभुपाद के पास आया, बड़ा इंटेलिजेंट व्यक्ति, बोले प्रभुपाद मैं भागवत पढ़ना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने भेजा कि आप उनके पास जाओ, और रामदास बाबा जी महाराज बैगुन का पेड़ करते थे, उनको बोले भागवत पढ़ना है, ठीक है ये बैगुन का पेड़ में जल दो, पानी दे दो। तो उन व्यक्ति ने आकर के शिकायत की प्रभुपाद, बस प्रभुपाद मैंने तो भागवत पढ़ने के लिए आया था और रामदास बाबा जी महाराज क्या भागवत जानते हो, मुझे बैगुन का पेड़ में पानी देने के लिए बोला। प्रभुपाद ने बताया रामदास बाबा जी महाराज स्वयं भागवत है और मैं जानता हूँ उनका सेवा करने, उन्होंने आचरण बोलने वाला बात को करने से तुम्हारे भागवत सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर बात क्या आती है, वहाँ पर बैगुन का पेड़ करने बनाने वाला व्यक्ति को उठा करके ले आए, बैगुन का पेड़ में
खत्म होने दीजिए बोले, लेकिन यहाँ पर बेगुंदा पेड़ में पानी दे देने वाला व्यक्ति को महाभागवत कहते हैं। इसका मतलब क्या है? वहाँ पर गुरु वैष्णव के चरण में संबंध नहीं हुआ था, इसलिए उनके अंदर सेवा वृत्ति नहीं था। उन्हें बोले कि उनको पहले संबंध ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद बेगुंद का पेड़ बनाओ। लेकिन वहाँ पर रामदास बाबा जी महाराज के अंदर में ये ज्ञान हो गया, चाहे मैं जो कुछ करूँ हरि गुरु वैष्णव ही हमारे सर्वस्व है, मेरा सब कुछ भी उनके लिए ही है, तो उनका सेवा करने से ये बेगुन भी उनकी सेवा में लगेगा, तो हमारे भजन साधन सब कुछ उसमें सिद्ध होगा। इसलिए संबंध जहाँ पर है, संबंध बनाने वाला पहले संबंध ज्ञान होनी चाहिए। क्या संबंध ज्ञान मतलब क्या है? हमारे गुरुदेव वैष्णव महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और भगवान कृष्ण, उन लोगों के साथ हमारे क्या संबंध है, उनके प्रीति विधान ही हमारे एकमात्र लक्ष्य है, तो वही होने से फिर भजन साधन आगे बढ़ेगा। इसलिए कहते हैं कि जैसा एक बार श्रील भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज थे प्रभुपाद के शिष्य, उन्होंने उनको बोले कि 32 रुपया की वो उसी समय एक कुंज बिहारी प्रभु थे मटकी मैनेजर, उनको उन्होंने भेजा कि आप जाओ बाजार से अच्छे जूता खरीद करके लाना, क्योंकि वो विदेश जाएंगे उसे प्रचार करने के लिए। तो उन्होंने 32 रुपया की जूता 1932 में खरीद करके लाए। आज उनका किस्मत कितना बड़ा कीमत, उन्होंने जब लाए उन्होंने बोला कि आप पहन करके आओ, आप जूता लाया? हाँ महाराज जी जूता लाए। उनको बोलो वो लाए, वो जाओ ले आओ जूता। तो उन्होंने क्या किए, जूता पहन करके आके गुरुदेव के सामने द्वार पर खड़े हुए। फिर प्रभुपाद को उन्होंने पूछा कि आ जाऊँ? बोले हाँ आओ। उन्होंने जूता पहन करके गुरुदेव के मंदिर में गए। गुरुदेव के मंदिर तो पूज्य होता है, जूता पहन कर जाना होता है, खाली पैर में जाना होता है। उन्होंने जूता भी पहन करके चले गए। क्यों गए? क्योंकि वहाँ पर प्रभुपाद बुला रहे कि जूता कैसे हुआ देखने के लिए, तो इसलिए गुरुदेव की प्रीति विधान के लिए उन्होंने किया। इसलिए प्रभुपाद बोले तुम्हारे वैराग्य आदि सिद्ध हो गए, क्योंकि वैराग्य गुरु वैष्णव की प्रभु मेरे प्रीति के लिए तुमने त्याग को भी त्याग दिया। त्याग को भी त्याग दिया मतलब क्या है? तुमने जो छोड़ कर के आया था जूता पहनना, क्योंकि संन्यास होने से जूता पहनना भी मना है, बहुत कुछ नियम होता है, तुमने उसी प्रकार त्याग को भी मेरा प्रतिविधान के लिए त्याग दिया, फिर ग्रहण किया उसको कि केवल मेरा प्रतिविधान के लिए। लेकिन वही प्रभुपाद जब चैतन्य मठ में एक व्यक्ति ने 14 अना रुपया की जूता पहनने लगा, तो प्रभुपाद बोले बैरागी होकर के भोगी का आचरण, भोगी कहाँ के बैरागी होकर के 14 अना की जूता, लज्जा की बात है, ये अच्छा नहीं है। क्यों? वहाँ पर प्रभुपाद 32 रुपये की जूता खरीद करके ला कर पहन आए, और वहाँ पर 14 अना रुपया की जूता पहनने पर भी प्रभुपाद कहते भोगी कहाँ के लज्जा की बात है, बैरागी होकर के भोगी का आचरण। क्या है कि प्रभुपाद बोलते थे रानी का जो वेश अभिनय करेगा वही रानी का वेश पहनेगा, लेकिन सबके लिए नहीं। इसलिए मठ में कार होने पर भी सब लोग व्यवहार नहीं करते थे। इसलिए हम लोग जो कुछ करेंगे, अगर गुरु वैष्णव हमारे सब कुछ है, वैष्णव गुरुदेव हमको जो परमार्थ वस्तु भक्ति वही दान कर सकते, तो उनके साथ अगर हमारे संबंध हो गया, उनकी प्रीति विधान हमारे लक्ष्य हो गया, तब फिर हम जो कुछ करें और क्या हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। और अगर वो नहीं हुआ, हम खुद सुखी बनने के लिए जो कुछ करेंगे वो चाहे कितना कम भी यूज करें, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, उल्टा कर्म बनेगा, काल बनेगा। इसलिए साधक के लिए ना दुख निवृत्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, ना सुख प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, हम लोग तो प्रयास होना चाहिए हरिगुरु वैष्णव की सेवा के लिए प्रयास होना चाहिए। तुम्हार सुखर्पण हमें इंद्रिय चारणा, इसलिए भगवान की गुरुदेव की वैष्णव की सुख विधान के लिए इंद्रिय चालना करना, सब कुछ करना ही वास्तव क्या है, वैष्णव सेवा है। और नाम संकीर्तन और उसके साथ जितना समय हुआ उसमें भगवान के नाम कीर्तन करना,
वही दोनों ही मंगल का उपाय है। इसलिए गुंडीचा मंदिर मार्जन में वो गुंडीचा मंदिर मार्जन करना इसलिए हमारे लिए क्या है जरूरी है। महाराज जी कुछ बताएंगे इतना बोल करके मेरा वाणी को विराम देता हूँ। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री आदि गौरभक्तवृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण। अभी अभी प्रभु जी से श्रवण कर रहे थे जो जगन्नाथ रथ यात्रा है। क्या ये जगन्नाथ रथ यात्रा है? जैसे श्री राधा रानी और साथ में कृष्ण जब कुरुक्षेत्र में मिले तो राधा रानी बड़ी दिनों के बाद में उनको कुरुक्षेत्र में मिलन हुई। तो उसी समय में राधा रानी कृष्ण को कह रहे बोले हे कृष्ण आप भी वही कृष्ण मैं भी वही राधा। लेकिन जब हम श्री वृंदावन में जहाँ पर यमुना नदी बड़े कलकलनाद से बह रही जहाँ पर कोयल बड़े सुंदर भूख रहे जहाँ पर मयूर फिरक फिरक करके नृत्य कर रहे जहाँ पर बेली चमेली जूही पेतर की मालती सुंदर सुंदर जहाँ पर फूल खिल रहा था हैं जहाँ पर चंद्रमा का किरण छिटक रहा है हाँ जिस समय भौरा बड़े सुंदर सुंदर गुनगुनाते हुए जब फूलों के ऊपर बैठते वहाँ पर जब निकुंज में जब हम दोनों मिलन हमारे दोनों का मिलन होता था उसी समय में जो आनंद आता था वो आनंद यहाँ नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पर तो सन्न सामत हाथी घोड़े और आपका शरीर में जो लक्षण है ये कोई वृंदावन का कोई लक्षण नहीं। आप तो रात होता भी कहीं नहीं हैं लेकिन जब वृंदावन में आप बंसुरी हैं सर पर मयूर पर वृंदावन का जो श्रृंगार है फल फूल और पत्ते से आपका जो श्रृंगार है इसलिए आपका शरीर में कोई वृंदावन का कोई चिन्ह नहीं। यहाँ पर तो राजा राजाधिराजा द्वारकाधीश का चिन्ह आपका शरीर इसलिए वो आनंद नहीं आ रहे हैं जो हम वृंदावन में मिलते थे। इसलिए अगर हमें आप आनंद देना चाहते हो हमारे हृदय रूपी मंदिर में बैठो और आपको हम सबके सब ले चलेंगे श्री वृंदावन धाम में ले चलेंगे। जब वृंदावन धाम में हम मिलेंगे आपको साथ में यमुना किनारा में हैं वो जो आनंद यहाँ नहीं आ रहा है। आओ हमारे हृदय रूपी रथ में बैठो आपको वृंदावन में ले जाएंगे। रथ यात्रा वही है राधा रानी अपना हृदय रूपी मंदिर में श्री कृष्ण को बैठा करके कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं ये कुरुक्षेत्र से उनको ले जा रहे वीर वृंदावन क्योंकि ये सही रथ यात्रा है। इसलिए प्रभु जी आपको सुना रहे थे लेकिन भगवान बैठेंगे कहाँ पर? भगवान गंदे स्थान पर तो बैठ नहीं सकते जहाँ पर पवित्र शुद्ध स्थान हो भगवान वहीं बैठ सकते हैं हैं। इसलिए श्रीमद् महाप्रभु ने ये गुंडीचा मंदिर मार्जन उन्हें मिला दिया। प्रभु ने जो कथा सुनाए ना आप लोग को वहाँ पर दो मंदिर हैं अभी पूरी जाओगे ना आप देखोगे एक तो जगन्नाथ जी यहाँ हर समय रहते हैं उनको मानी जाती है द्वारका और एक मंदिर है ये गुंडीचा मंदिर है इसको मानी जाती है श्री वृंदावन धाम मानी जाती है। इसलिए वो साल भर तक वो वैष्णो मंदिर पड़ा रहता है
लेकिन ठीक जगन्नाथ जाने से एक दिन पहले राजा नौकरों को दे करके वो मंदिर को साफ सुथरा कराया करते थे, लेकिन सब सब श्रीमन महाप्रभु वहां पर परिकरों को साथ में वहां पर आए। महाप्रभु बोले जहां पर हमारे प्रियतम श्री श्याम सुंदर कृष्ण आकर के बैठेंगे तो नौकर से सेवा होता है, पैसा देकर थोड़ी सेवा होता है, सेवा तो भावना से होता है, प्रेम से सेवा होता है, नौकर से सेवा नहीं होता है, पैसा दे करके सेवा नहीं होता है, हैं? इसलिए महाप्रभु कहते न धनम न जनम न सुंदरी कविता बा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनिश्वरे भवताद भक्ति अहितु कितुल। हाँ, भगवान के चरण में प्रार्थना करते प्रभु हमें धन जान पुत्र परिवार स्त्री दुनियादारी हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, जन्म जन्मांतर में तुम्हारे चरण में हमारी आहे तो कि निष्काम प्रेम हो। फिर जो प्रेम है वो निष्काम होनी चाहिए, पैसा दे करके जो सेवा है कहते वृत्त सेवक है, इसलिए ये सेवा को सेवा नहीं मानी जाती। इसलिए महाप्रभु ने वो सेवा को मांग करके लिया, किससे? राजा से, प्रताप रुद्र राजा से उन्होंने मांग करके लिया है। हम सबके सब चाहते हैं हम सेवा करें, क्या सेवा, हम बड़ा सेवा चाहते हैं, हम बड़ा सेवा मालिक बनना चाहते हैं, लेकिन वहां पर कौन सा सेवा को मांग कर लिया? झाड़ू लगाने का सेवा नहीं, हम अपना परिकरों को साथ में मंदिर में हम झाड़ू लगाएंगे, उन्होंने झाड़ू लगाने का सेवा मांग करके लिया है। सबसे छोटा सेवा है जिसको झाड़ूदार कहते हैं, और वृंदावन में जो मेहनतारी होता है ना, जो रास्ता में जो झाड़ू लगाते हैं, इसलिए उन्होंने झाड़ू लगाने का सेवा उन्होंने मांग करके ये सेवा ली। इसलिए हमारे संप्रदाय में ये झाड़ू लगाने का सेवा का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर वो अपना परिचय देते हैं, बोले मैं कौन हूँ, बोले नाम हाटका में झाड़ूदार हूँ, मैं नाम हाटका झाड़ूदार, अपना परिचय देते हैं मैं झाड़ूदार हूँ। और हमारे श्री श्यामानंद प्रभु, अब नाम सुने होंगे ना श्यामानंद प्रभु, उन्होंने राधा रानी की कृपा को कैसे प्राप्त की, बोले झाड़ू लगाते लगाते उनकी कृपा प्राप्त की। जब उन्हें वृंदावन में आए, उनका नाम था दुखी कृष्णदास, गुरुदेव ने कहा देख बेटा जब तक सेवा नहीं करोगे ना तब तक मेवा नहीं मिलेगा, जाओ ये राधा रानी के कुंज में, ये सेवा कुंज है, इसमें रोज झाड़ू लगाया करना। वो राधा रानी को कुंज में रोज झाड़ू लगाते थे और झाड़ू लगाते थे, इधर रो रो करके राधा रानी से प्रार्थना करते थे, राधे आपकी कृपा हमें कब प्राप्त होगी, आपके आशीर्वाद मुझे कब मिलेगी। और जो ब्रज में झाड़ू लगा वो साधारण बात नहीं, हाँ ब्रज में झाड़ू लगाना कोई साधारण बात नहीं। इसलिए बोले कीरत सुता के पग पग में प्रयाग जहाँ, बोले केशव के केली कुंज कोटि कोटि ताशिए, गोपिनी की द्वार पहले बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है, स्वर्ग अपवर्ग हम ले करे करेंगे किया, जानते नहीं है किया हम श्री वृंदावन। वृंदावन का जो धूल साधारण धूल वहाँ नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते चिंतामणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष, वहाँ की जो धूल वो धूल नहीं ब्रज रज रानी है। इसलिए बोले एक समय कोई एक रानी पालकी में बैठी करके आ रही थी, कोई देश की रानी थी पालकी में बैठी करके आ रही थी और वृंदावन धाम में आई। जब आई उनका बहुत सारी सेवक है, सबको बोले हट जाओ हट जाओ। वहाँ पर एक मेहनत रानी थी, मेहनत रानी जानते हो तो रास्ता को साफ करती, उसने सीना को तान करके बोली बोले ब्रज में तो चार चार रानी, पंचमा रानी कहाँ से आ गई। जब ये बात वो बताई वो जो रानी थी, बोले भैया यहाँ चार चार रानी यहाँ पर कौन है, अरे खरी ये पंचमा रानी कहाँ से आ गई। तो उसको समझ गई, पालकी में उतर गई, बोले भैया चार रानी क्या है कौन कौन है। बोले यहाँ पर पहला जो रानी है ब्रज का रज रानी, लोग वहाँ जो रज है धूल नहीं, यहाँ का धूल भी रानी है, ये धूल भी रानी है, या धूल साधारण धूल वृंदावन की नहीं। इसलिए पहला रानी, बोले दूसरा रानी कौन है, बोले जमुना पट रानी, यहाँ पर
बोले तीसरा रानी कौन है? कहते सबसे बड़ी रानी ये श्री राधा रानी। बोले चौथा रानी कौन है? बोले ये सबको सेवा करने वाली मैं महंत रानी। इसलिए यहाँ पर चार चार रानी है। कहती ये पांचवा रानी कहाँ से आ गई? है पांचवा रानी। इसलिए वहां की जो रज है वो रज नहीं वो रज रानी है, रज रानी है वहां पर। इसलिए वहां झाड़ू लगाएंगे तो क्या होगा? वो धूल उड़ेगा, धूल उड़ कर क्या होगा? शरीर में लग गया है, शरीर में लग गया। इसलिए बोले बोले रज उड़ शरीर ला के बोले मुक्त मुक्त रह जाए। वहां पर कह रहे हैं मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बता है। इसलिए जो मुक्ति भगवान से प्रश्न करती है मुक्ति सो भैया बताओ मेरे मुक्ति कैसे होगी? हाँ तब कह रहे हैं बोले ब्रज रज उड़ शरीर सिर लगे मुक्त मुक्त हो जाए। वहाँ का धूल अगर उड़ करके किसके शरीर पर लगता है ना तो जो मुक्ति को भी मुक्ति मिल जाती है। इसलिए ब्रज का कोई धूल कोई साधारण वस्तु नहीं। इसलिए वहाँ पर उन्होंने जब झाड़ू लगाए, झाड़ू लगाते लगाते वहाँ के धूल उड़ता है सारा शरीर में धूल लगता है। इसलिए बंगला में एक कीर्तन है कहते हैं धूला नए धूलि नए गोपी पद रेणु जय रेणु मेटे किलो नंद बेटा रखा। इतना धूल धूला नहीं है और धूल धूला ब्रज में नहीं है। इसलिए धूला नए धूलि नए गोपी पद रेणु वो गोपियों की चरण धूल वहाँ पर है। इसलिए जय रेणु मेखे चिलो नंद बेटा रखा हाँ नंद बेटा माने कृष्ण जो धूलि को द्वारा भगवान स्वयं स्नान किया था। ये तिलक लगा रहे ये तिलक क्या है? तिलक वही है नारद जी जब ब्रज राज्य को लेकर द्वारका में गए भगवान को स्नान कराया गया। स्नान कराया तो ये भी ये तिलक है भगवान जिसको अपना शरीर पर भगवान भी धारण करते हैं। इसलिए कहते वहाँ की केवल झाड़ू लगाते लगाते है ना दुखी कृष्णदास केवल वहाँ झाड़ू लगाते लगाते उन्होंने राधा रानी के चरण की नूपुर की प्राप्ति हुई। इसलिए जीव गोस्वामी को दिखाए जीव गोस्वामी ने कहा देखो ये नूपुर स्वयं राधा रानी का सबको देना नहीं बोलना जिनका चरण का नूपुर वो स्वयं आए मैं अपना हाथ में पहनाऊंगा। तो वहाँ पर स्वयं राधा रानी आती है और वो अपना हाथों से राधा रानी के चरण में उन्होंने नूपुर पहना। मतलब वहाँ झाड़ू लगाते लगाते किसकी कृपा हुई? श्री राधा रानी की कृपा हुई। इसलिए वहाँ पर झाड़ू लगाना ब्रज में कोई साधारण बात नहीं है, नहीं है। इसलिए हमारे श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं जत की करी सुबहु सौ खड़ुका गुबाणी नित्यम परस पुरुषस्य शिखंड मौले जस्या तदा रसनिधे वृषभानुजाया तत्केलि भमनांगनी मार्जनी जा। वो कह रहे हैं क्या मेरे ऐसे सौभाग्य होगा? बोले कौन का सौभाग्य? बोले जिस निकुंज महल में श्री राधा रानी मान करके बैठी हूँ और बोल दी किसी काले चीज को मैं देखना नहीं चाहता जितने काले सब दूर थे और अपना मंजरियों को शक्तियों को दरवाजे को सामने खड़ी कर देती हूँ। इतने में कृष्ण राधा रानी से मिलने के लिए आते हैं। तब श्री मंजरी सखियाँ कहती आज राधा रानी कहती हैं किसी काले चीज को देखेंगे बोले जो भुरुर है ना उसको भी सफ़ेद कर दो तो चोटी है फूलों की माला से उसको भी सफ़ेद कर दो कोई काले चीज मेरे सामने नहीं आनी चाहिए हैं। मैंने सब कुछ छोड़ करके वो काले को प्यार किया लेकिन वो काले ने मेरे को धोखे दे करके कहीं चले गए। इतने में श्याम सुंदर आ करके प्रार्थना करते हैं सखी मंजरियों के पास में हमें अपना कुंजे को अंदर में जाने दो हैं कुंजे के अंदर में। तब वो कह रहे हैं क्या मेरे कभी ऐसे सौभाग्य होगा जिस निकुंज महल में श्री राधा रानी मान करके बैठी हुई। जब सखियाँ वो निकुंज महल को जब झाड़ू लगाते हैं झाड़ू का एक सलाखा में बन पाऊंगा इतने बड़ी बार बात कह रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जब झाड़ू लगाएंगे राधा रानी जिस निकुंज महल में झाड़ू लगाएंगे उसकी उसका धूल लगेगा ना धूल लगेगा तो हमारे जीवन धन्य हो जाएगी। इसलिए महाप्रभु उस सेवा को मांग करके लिया बोले क्यों फिर वहाँ पर जो झाड़ू लगाएंगे वृंदावन है वो वृंदावन जगन्नाथ जी जाएंगे द्वारका से
जगन्नाथ जी वृंदावन में जाएंगे, इसलिए महाप्रभु ने मांग करके लिया इस सेवा को, कोरोना सेवा छोटा सेवा को मांग कर लिया। हम वहां के झाड़ू लगाएंगे। बोले कौन? बोले स्वयं महाप्रभु। बोले महाप्रभु कौन है? ये स्वयं ब्रजन रहन श्याम सुंदर कृष्ण स्वयं कलिजुग में राधा जी की भाव अंगदान से लेकर के श्री महाप्रभु के रूप में आए स्वयं कृष्ण। कृष्ण भी स्वयं राधा रानी की और निकुंज महल में वृंदावन जहाँ कृष्ण जाएंगे है वहां में झाड़ू लगा दिया। उन्होंने सेवा को उन्होंने प्रार्थना कर दिया, प्रार्थना करके वो सेवा को उन्होंने लिया है। इसलिए वहां पर झाड़ू लगाने का बड़ा महत्व है। इसलिए जगन्नाथपुरी में है, जगन्नाथपुरी में स्वयं राजा वहां झाड़ू लगाता है। अब रथ यात्रा में जाओगे ना, अब देखोगे रथ यात्रा शुरू होने से पहले राजा स्वयं आकर के झाड़ू लगाता है, स्वयं राजा झाड़ू लगाता है वहां पर। और इसी झाड़ू लगाने का सेवा को देख करके महाप्रभु प्रसन्न हो गए। महाप्रभु जो पुरी में थे, राजा महाप्रभु को दर्शन करना चाहता है। महाप्रभु जो राजा विषयी होते हैं, विषयी मतलब उनका भोगी होते हैं राजा लोग, बोले इनको दर्शन करने से मेरे अंदर में भी भोगी वासना आ जाएगी, इसलिए हम राज दर्शन नहीं करते, विषयी दर्शन नहीं करते। महाप्रभु मना कर दिया। उन्होंने बोले अगर महाप्रभु मुझे दर्शन नहीं देंगे हैं, मैं कान में कुंडल धारण करते हुए मैं संन्यास लेकर के राज्य छोड़ करके चला जाऊंगा, राज्य छोड़ करके, क्योंकि जीवन में जो भगवान की महाप्रभु का दर्शन नहीं हुआ, जीवन धारण करना बेकार जीवन है, बेकार है जीवन। इतने में हैं, इतने में महाप्रभु रथ यात्रा दर्शन करने के लिए आए। जब आए उन्होंने देखा सबके सामने राजा हाँ अपना प्रजा को सामने केवल एक वस्त्र पहन करके सबके सामने राजा झाड़ू लगा रहे थे। राजा स्वयं इसको देख करके महाप्रभु कहते हैं उत्तम हैया करे अधम सेवन अतएव तुम्ही हो जगन्नाथ रे कृपा भाजन। मतलब है उत्तम होकर के इतने बड़े राजा होकर के काम क्या कर रहे हैं? बोले अधम सेवन, झाड़ू लगाने का काम कर रहे, सबसे छोटा सेवा कर रहे, झाड़ू लगाने का सेवा देख करके बोले तुम ही सचमुच से जगन्नाथ की कृपा पात्र का तुम उपयुक्त हो है, इतने बड़े होकर के झाड़ू लगाने का तुम सेवा कर रहे हो। महाप्रभु ने मना कर दिया था, उसको मैं दर्शन नहीं दूंगा, लेकिन केवल इसी सेवा को दर्शन करके महाप्रभु रीझ गए। बोले इसको जरूर मैं दर्शन दूंगा। क्यों? जगन्नाथ जी कौन? महाप्रभु जगन्नाथ है, कभी अचल जगन्नाथ, ये सचल जगन्नाथ है, इसलिए मेरे वजह से मेरे लिए हम मेरे लिए इतना छोटा काम करता है। महाप्रभु प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के देखो झाड़ू लगाने का कितना महत्व है। जब जगन्नाथ जी के सामने महाप्रभु भक्त लोगों को सात उन्होंने दल बनाए, पार्टी बनाए है, सात पार्टी बना दिया, कुछ पीछे कुछ आगे, जगन्नाथ जी के सामने कीर्तन करते 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 जाएंगे। अभी राजा दर्शन करने के लिए आया कीर्तन को, कीर्तन में उन्होंने क्या देखा, सात दलों में पार्टियों में महाप्रभु सात रूप लिए हुए और नृत्य कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन ये लीला को कोई नहीं देख रहा था, केवल यही देख रहे थे हाँ, केवल यही देख रहे थे। उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को बोले उन्होंने मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ भी महाप्रभु, यहाँ भी महाप्रभु, यहाँ भी महाप्रभु, यहाँ भी महाप्रभु, सब जगह में महाप्रभु महाप्रभु महाप्रभु। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा भैया मेरे को तो दर्शन नहीं हुआ, मेरे को तो दर्शन नहीं हो रहा, मेरे को सब दिख रहा है महाप्रभु एक जगह पर कीर्तन कर रहे, लेकिन तुम्हें दिख रहा है सब महाप्रभु सब जगह में कीर्तन कर रहे हैं। भैया तुम्हारे ऊपर में महाप्रभु की विशेष कृपा है, ऊपर से उन्होंने मना कर दिया तुम्हें दर्शन नहीं देंगे, लेकिन हृदय से तुम्हें कृपा कर रहे हैं, मेरे को तो दिख नहीं रहा है ना। फिर रथ यात्रा को सामने में जाते जाते आते जाते वहां पर जगन्नाथ वल्लभ वाटिका वहीं पर जाकर रथ रुकता है। महाप्रभु उसी वाटिका में बगीचा में जाकर के राधा जी की भाव से महाप्रभु रथ को खींचते हुए ले जा रहे, वही श्याम सुंदर को है सही तो प्राण नाथ पायनु जहा लागी मदन दहन झुरियन,
वही मेरे प्राण प्रियतम कौन है, श्री कृष्ण है, हैं जहाँ लगे मदन जहाँ जुड़ी गलो, जिसके लिए मैंने हैं प्रेम में हैं मदन मतलब कामदेव की विरह में जिसके लिए मैं दिन भर झूम रही हूँ, जिसके लिए उसी भाव से महाप्रभु जब एक वृक्ष को नीचे हैं सो रहे महाप्रभु, महाप्रभु सो रहे उसी भाव को लेकर के उसी समय में जो महाप्रभु का जितने भक्त लोग थे राजा को लेकर राज पोशाक ऊपर क्या करो और एक धोती पहन करके क्या करो महाप्रभु का चरण की सेवा करो और गोपी गीत को गाओ, गोपी गीत को गाओ, इतने में राजा उनके चरण को सेवा करते हुए गा रहे थे, बोले जयती देविकम जय मना ब्रज प्रयत सास्वदश्रहे दैत ग्रेश्यताम देशुताभता थे महाप्रभु उसी भाव से कैसे श्याम सुंदर हमें छोड़ करके हम वृंदावन छोड़ करके मथुरा मथुरा के द्वारका कैसे चले गए और राधा रानी कृष्ण विरह में दिन रात उसमें डूबी हुई, उसमें राधा रानी डूबी हुई और डूबी हुई जब उन्होंने ये भजन को गाए, ये भजन कब गा रहे हैं जब कृष्ण रात के अंदर जाने हो गए और गोपियाँ हमको ढूंढते ढूंढते श्याम सुंदर नहीं मिले, जमुना किनारे में बैठ करके भजन गा रही है राधा रानी गोपियों के पास में और उसी होता है तब कथा मृतम सप्त जीवन, जब ये भजन को महाप्रभु सुने महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए कि राधा भाव में डूबे हुए उनका आलिंगन किया, कौन मेरे को ये अमृत पिला रहे, कौन ये अमृत हमें पिला रहे हैं, प्रसन्न हो गए, बोले क्यों, बोले जब कृष्ण विरह हो ना, कृष्ण विरह हो उसी समय शांति मन को शांति कौन देता है, ये तब कथा, क्योंकि भगवान और उनकी कथा में कोई फर्क नहीं, कृष्ण कथा और कृष्ण एक ही है, जैसे हम जब कथा सुनते हैं ना भगवान की अब जैसे मन उसमें डूब जाती है, मन उसमें डूब जाती है और जैसे कृष्ण कथा सुनकर हृदय आनंद में भरपूर हो जाता है, कृष्ण कथा सुनकर हृदय गदगद हो जाते हैं, बोले क्यों, बोले कथा और कृष्ण में कोई फर्क नहीं, वो एक ही वस्तु है, इसलिए बोले कौन मेरे को ये अमृत पिला रही है, महाप्रभु को आलिंगन दिया, आपने ऐश्वर्य दिखाया महाप्रभु, उनको उन्होंने कृपा किया, बोले क्यों, केवल झाड़ू लगाने का सेवा को देख करके, केवल झाड़ू लगाने का सेवा को देख करके महाप्रभु प्रसन्न हो गए और उनके ऊपर में कृपा किया, इसलिए महाप्रभु ने झाड़ू लगाने का सेवा को उन्होंने मांग करके लिया और मांग करके लेकर उन्होंने मंदिर में झाड़ू लगाया, झाड़ू जब लगाया मतलब किया, बोले हृदय की मंदिर में झाड़ू लगाया, तुम जब तक इसी